प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन, बेंगलुरु में आज किया विज्ञान उद्घाटन, विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। आईएससी सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा विज्ञान तकनीक की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है भारत। पीएम मोदी ने कहा न्यू इंडिया को तकनीक के साथ तर्कशील सोच भी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा तकनीक से किसानों को मिला लाभ, किसानों को रिकॉर्ड स्तर पर हुआ पैसे का ट्रांसफर। पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा गरीबों के लिए 2 एकड़ से ज्यादा मकान बनाए गए। राजस्थान के कोटा में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, मौत का आंकड़ा 104 पर पहुंचा। साल के पहले दिन 3 बच्चों ने दम तोड़ा, गुरुवार को 1 बच्चे की मौत। कोटा जाएगी केंद्र की हाई लेवल टीम, जोधपुर एम्स के डॉक्टर और हेल्थ इकोनॉमिस्ट करेंगे पड़ताल। बच्चों की मौत के बाद भी सोता नजर आया कोटा के जेके लोन अस्पताल का प्रबंधन, अस्पताल में गंदगी। कोटा के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी आज पहुंच रहे हैं कोटा। नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आज नेशनल मार्च का आयोजन, सावित्री बाई फुले की जयंती पर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का कार्यक्रम। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, रांची, मुंबई समेत देश के कई शहरों में मार्च। दिल्ली के जामिया में आज विरोध प्रदर्शन, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद समेत कई दिग्गज करेंगे अगुवाई। गुरुवार शाम को जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध में आयोजित किया कार्यक्रम, स्वामी अग्निवेश हुए शामिल। नए नागरिकता कानून के समर्थन में स्वामीनाथ संप्रदाय, केंद्रीय मंत्री नड्डा को सौंपा समर्थन पत्र। फिरोजाबाद पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा, 6 साल पहले मर चुके शख्स से बताया शांति भंग होने का खतरा, 90 और 93 साल के बुजुर्ग को थमाया नोटिस। एसपी नेता राम गोविंद चौधरी का बयान, सत्ता में आए तो नागरिकता कानून के विरोधियों को संविधान रक्षक का देंगे सम्मान। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने किया भगवा का गुणगान, साथ ही ट्वीट कर कहा कांग्रेस के लिए व्यापार है भगवा। आरएसएस के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल बोले हिंदुत्व में देश को जोड़ने की ताकत। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नए जुर्माने का किया प्रावधान, कम की गई रकम। लाहौल में लगातार गिरते तापमान के बीच दिखा दिलचस्प नजारा, नदी की ऊपरी परत जमी, नीचे बहता पानी दिखा। ओली में बर्फबारी के चलते सड़कों पर बढ़ी फिसलन, पैदल जाने को मजबूर पर्यटक। उत्तरकाशी के हर्षिल में जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटकों ने लिया स्केटिंग का आनंद। छिंदवाड़ा में बारिश और ओले गिरे, टमाटर की फसल को नुकसान। अमरावती और अकोला में बेमौसम बारिश की मुसीबत, रबी और संतरे की फसल को नुकसान।